तो उस रात के बाद अगली मॉर्निंग होती है, इशिता अपने केस को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो अपनी पूरी टाइम उस पर्सन को ढूंढने में लगा देती है। इधर आरुषि भी अपने क्लिनिक पर बहुत बिजी होती है। इशिता के साथ दो दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं थी। आज आरुषि कुछ डिसाइड करती है। वो क्लिनिक से निकाल के अपने घर नीचे आती है। वो सीधा नो इशिता के हाउस नहीं, वो चाहती है पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर आदित्य से मिलने। आरुषि टैक्सी से बाहर आती है, उन्हें पेमेंट करती है, टैक्सी टर्न करके चला जाता है। आरुषि पुलिस स्टेशन की ओर देखती है। आज पुलिस स्टेशन में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। सारे पुलिस कांस्टेबल एंड बाकी लोग भी बहुत बिजी था। आरुषि नोटिस करती है आज यहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स भी मौजूद था। आरुषि किसी की परवाह ना करते हुए, कहीं और ना देखते हुए सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। इंस्पेक्टर आदित्य अपने टेबल पर कुछ फाइल्स देख रहा था। आरुषि उनकी ओर देखती है, एक गहरी सांस लेते हुए लाउडली कहती है, इंस्पेक्टर आदित्य आपकी हिम्मत कैसे हुई इशिता के साथ शादी करने की? आरुषि की इस बात से मानो पूरे पुलिस स्टेशन एकदम थम सी जाती है। सारे लोग जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है सब लोग, एंड वो रूम एकदम साइलेंस हो जाता है। इंस्पेक्टर आदित्य के साथ साथ उनके सर, बाकी पुलिस, कुछ कांस्टेबल, कुछ लॉयर्स घूमकर आरुषि की ओर देखता है। इंस्पेक्टर आदित्य एकदम शॉक्ड हो जाता है। शायद उस पुलिस स्टेशन में आज हिस्ट्री में पहली बार ये कोई दिन आया है जहाँ पे कोई पर्सन आकर आदित्य के साथ पूरी पुलिस स्टेशन के सामने इतनी लाउडली बात की। आदित्य के सर उसकी ओर देखता है, आदित्य सीधा आरुषि की ओर देखता है। आरुषि बहुत फास्ट आदित्य के सामने आती है, उनके सामने रखी टेबल पर एक जोर से स्लैप करते हुए कहती है, आप हिम्मत भी कैसे की इशिता के साथ शादी करने की? आप जानते हो ना कि इशिता मुझे लव करती है एंड मैं उन्हें, तो आप आके बीच में कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? इंस्पेक्टर आदित्य लाइफ में पहली बार बहुत डर जाता है, और होगा भी क्यों नहीं, उसकी ही पुलिस स्टेशन के सामने उसे आकर कोई ऐसे बात करेगी तो कोई भी पर्सन थोड़ी बहुत तो डर ही जाएगा। इस बार आदित्य कहता है, आरुषि रिलैक्स, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। बट आरुषि उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी, वो तो बस अपनी ही बात की जा रही थी। इंस्पेक्टर आदित्य अपनी चेयर से उठकर आकर आरुषि के हाथ को होल्ड करता है एंड उसे बाहर ले जाता है। बाहर आकर आदित्य कहता है, आरुषि रिलैक्स, ये पुलिस स्टेशन है, तुम ऐसे लाउडली बात नहीं कर सकते। आरुषि मानो पागल हो जाती है, वो भी लाउडली कहती है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, मैं कैसे शांत हो जाऊँ? आप जानते हो ना कि हम दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी इशिता के साथ शादी कर रहे हो। मैं इशिता की बात छोड़ रही हूँ, शायद वो अपनी मॉम के प्रेशर में आकर ये शादी करने के लिए हाँ कह दी। पर आप कैसे हाँ कर सकते हो, आप तो सब कुछ जानते हो ना, क्या आपके भी घर से कोई प्रेशर है? आदित्य खुद को काम डाउन करता है एंड धीरे से कहता है, नो आरुषि, मेरे घर से कोई प्रेशर नहीं है। आरुषि अगेन लाउडली कहती है, तो आप क्यों शादी कर रहे हो, आपको पता है ना सब कुछ? आदित्य कहता है, आरुषि लिसन, बात सुनो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। एट दैट टाइम पीछे से कोई आकर लाउडली कहती है, आरुषि तुम उसके साथ ऐसे लाउडली बात नहीं कर सकते। इस बात से आरुषि एंड आदित्य पीछे टर्न करती है, पीछे होती है इशिता। इशिता बहुत फास्ट आरुषि के पास आती है, उसके पास आकर उसके साथ आई कॉन्टेक्ट करते हुए कहती है, आरुषि तुम उसके साथ ऐसे लाउडली नहीं बात कर सकते हो, और तब तक बिल्कुल भी नहीं जब तुम्हें सच पता भी नहीं है। आरुषि थोड़ी पीछे आती है एंड अगेन लाउडली कहती है, कौन सी सच, कैसा सच, सच तो यही है कि आप दोनों शादी कर रहे हो, जबकि हम दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं और हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अब वहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल। इशिता, क्या आप उस दिन खुश नहीं थे, क्या आप वो दिन भूल गए? इशिता इंस्पेक्टर आदित्य की ओर देखते हुए जल्दी से आरुषि को रोकते हुए कहती है, आरुषि स्टॉप, तुम अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। पर आरुषि तो अपनी ही दुनिया में थी, वो बहुत फास्ट इशिता के पास जाती है, उसकी दोनों गालों को होल्ड करते हुए कहती है, इशिता क्या आप उस बारिश के दिन भूल गए, क्या आप भूल गए जब आप? इंस्पेक्टर आदित्य को ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड लगता है, वो जल्दी से कहता है, इशिता तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत डेंजरस हो चुकी है, मैं इसे तो बिल्कुल संभाल नहीं पाऊँगा, तुम ही संभालो।
ये कहते ही आदित्य पुलिस स्टेशन की ओर चला जाता है और इशिता भी आरुषि के हाथ को होल्ड करते हुए उसे फोर्सफुली अपनी कार में ले आती है, कार को लॉक करती है एंड सारे ब्लैक कार्ड्स ऊपर करती है एंड बहुत फास्ट आरुषि के पास जाती है, उसके शोल्डर को होल्ड करते हुए कहती है, आरुषि तुम पागल हो गए क्या? हमारी प्राइवेट चीज़ें तुम पब्लिकली कैसे बोल सकते हो? आरुषि इस बार बहुत इमोशनल हो जाती है, वो अपनी शेकी वॉइस में कहती है, तो मैं क्या करूँ इशिता, मैं क्या करूँ? आप मुझे छोड़ के आदित्य के साथ शादी कर रहे हो, क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? आपको एक बार भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि आपके बिना आपकी आरु तो मर जाएगी? इट्स सो इमोशनल। सो आरुषि की इस बात से इशिता भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो जल्दी से अपने आरु को हग कर लेती है एंड उसके माथे को रब करते हुए कहती है, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि इशिता अपने आरु के बारे में ना सोचे? एंड आरु, मैं किसी के साथ शादी नहीं कर रही हूँ। आरुषि इशिता के शोल्डर पे अपने हेड को रखी थी, इशिता की इस बात से वो अपने हेड को पीछे करते हुए इशिता के साथ एक आई कॉन्टेक्ट करते हुए कहती है, क्या अब शादी नहीं कर रहे हो? तो फिर ये सब क्या है? इशिता कहती है, बच्चा ये सब एक ड्रामा है बस मेरी मॉम से पीछा छुड़वाने के लिए। आरुषि ये बात सुन के बहुत रिएक्ट करती है, वो इशिता के दिल पे बार बार हिट करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, आप ये बात मुझे पहले नहीं बोल सकते, आपको पता है ना मैं कितनी ज़्यादा हर्ट हो रही थी। इशिता उसके माथे को रब करते हुए कहती है, सॉरी आरु, आई एम रियली वेरी सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। आरुषि अपने दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए कहती है, सॉरी से कुछ नहीं होगा, आपको पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। इशिता बहुत स्माइल करते हुए कहती है, ओके सो क्या पनिशमेंट है? आरुषि एक नॉट स्माइल देते हुए कुछ मूवमेंट करने वाली होती है पर इशिता की कॉल रिंगिंग होती है। इशिता वो कॉल जल्दी से रिसीव करती है कॉज ये कॉल इस पुलिस स्टेशन की हेड ऑफिसर का था। वो कहता है, हेलो इशिता तुम अभी कहाँ पे हो? इशिता कहती है, मैं अभी पुलिस स्टेशन की बाहर ही हूँ। सर कहता है, ओके गुड, जल्दी से अंदर आ जाओ एंड हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आरुषि को भी साथ लेकर आओ। इशिता थोड़ी टेंस में कॉल कट करती है एंड आरुषि की ओर देखती है। आरुषि उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या बात है इशिता, कुछ हुआ है क्या? इशिता कुछ नहीं कहती है, कार को अनलॉक करती है, दोनों बाहर आती है। वो आरुषि की हाथ को होल्ड करते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर आती है। इशिता जैसे ही अंदर आती है वहाँ की हेड ऑफिसर यानी कि निशा की डैड भागते हुए इशिता के पास आता है। वो कहता है, इशिता एक इनविटेशन है। इशिता बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, क्या इतनी रात को इनविटेशन? आदित्य उनके पास आकर कहता है, वही तो हम सब भी शॉक्ड में हैं, इतनी रात को ये कैसे अजीब सी इनविटेशन है? निशा की डैड कहता है, और भी अजीब ये बात है कि वो इनविटेशन ओनली तुम्हारे लिए नहीं है, तुम चारों के लिए है। इशिता कहती है, चारों के लिए? निशा की डैड कहता है, तुम आरुषि इंस्पेक्टर आदित्य और मेरी बेटी निशा के लिए। इशिता आरुषि और आदित्य की ओर देखते हुए कहती है, क्या हम चारों के लिए इनविटेशन? अगर केस के रिलेटिव कुछ है तो मुझे और आदित्य को बुलाया जाएगी, पर आरुषि और निशा को क्यों? निशा की डैड कहता है, वेल वो तो मुझे भी नहीं पता। इशिता कहती है, बट सर ये थोड़ी अजीब नहीं है? आदित्य कहता है, थोड़ी? इशिता ये बहुत अजीब है। इशिता कहती है, पर इनविटेशन किया किसने और हमें कहाँ जाना पड़ेगा? निशा की डैड एक पोस्टकार्ड को देखते हुए कहता है, वेल तुम लोगों को जाना होगा लंदन एंड तुम सबको इनवाइट किया है वहीं पर रहने वाली बहुत रिच एंड फेमस पर्सन, एक लेडी या फिर बोल सकते हो लंदन की एक क्वीन जो लंदन में सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से एक है। आरुषि बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, वो लंदन
और इनके डिस्क्रिप्शन सुन के ही तो गुस्सों आ रही है, पता नहीं देखकर क्या फीलिंग्स होगी। इशिता को थोड़ी डाउट होती है, लंदन की इतनी रिच पर्सन ऐसे सडनली उनको क्यों इनवाइट की है, उनका तो इस केस से कोई लिंक नहीं है। इशिता कहती है ओके, लंदन की क्वीन, इतनी रिच पर्सन, आखिर उनकी नेम क्या है। निशा की डैड उस पोस्ट कार्ड को अपने हाथ में लेकर नीचे की ओर ध्यान से देखते हुए कहता है वेल, इनका नाम है मिस माया। जैसे ही ये नाम इशिता सुनती है, इशिता की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। ये नाम उसने कहीं पर तो सुना था। इशिता जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है। ओके, उस होटल, निशा को ढूंढने के लिए जब वो उस होटल पे गई थी तो वो बॉय ने कहा था कि निशा के रूम पे निशा के नाम से नहीं, ये माया के नाम से एंट्री हुआ था। इशिता को गुस्पम्स आने के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बहुत तेज़ हो जाती है। यही तो वो पर्सन है जिसे इतने दिनों से वो ढूंढ रही थी। एंसी, उन्होंने खुद इन सबको इनवाइट किया है। दैट्स मीन मैं सही थी, इतनी सारी बातें एक साथ कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती है। वो मुझे ओपनली चैलेंज कर रही है। बेसिकली खूनी पुलिस से और डिटेक्टिव से भागता है, पर यहाँ तो खूनी खुद ही पुलिस और डिटेक्टिव को अपने घर में इनवाइट किया है। इशिता एक स्माइल करते हुए अपने मन में सोचती है सो मिस माया, आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। इशिता अपने दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए कहती है सो लंदन एंड मिस माया, बहुत जल्द आपके साथ हम सबकी मुलाकात होने वाली है। इशिता की इस बात से सारे लोग उसकी ओर देखते हुए स्माइल कर रहा था। अगले सीन में मॉर्निंग दिखा जाती है। इंस्पेक्टर आदित्य इशिता के साथ आरुषि के घर पर आता है। आरुषि रेडी होकर अपने रूम में थी। बाहर एक कार आकर हॉर्न मारता है। आरुषि भागते हुए नीचे आती है। इशिता कार से बाहर आकर ही आरुषि के लिए वेट कर रही थी। आरुषि उस कार को देखते हुए कहती है इशिता, आपकी कार कहाँ है? क्या हम लोग आपकी कार में नहीं जाने वाले हैं? इशिता कहती है नो, उन्होंने कार से आने के लिए मना किया है। इंडिया से लंदन आने जाने का और वहाँ पर रुकने का सब कुछ खर्चा वो खुद करेगी, और ये कार ओनली स्टेशन तक जाएगी, वहाँ से हम लोग ट्रेन पर जाने वाले हैं। आरुषि थोड़ी सैड फेस के साथ कहती है क्या, अगर वो इतने ही रिच पर्सन है तो हम लोगों के लिए ट्रेन क्यों बुक किया? हम लोग उनके मेहमान है, प्लेन बुक करना चाहिए था। इशिता उसे डांटते हुए कहती है आरुषि शट अप, जल्दी चलो, हम लोग वैसे भी बहुत लेट है। ये कहते ही वो आरुषि के हाथ को होल्ड करती है, अंधकार के अंदर जाती है। अगले सीन में स्टेशन आ जाती है। आरुषि कहती है वैसे ये निशा, इशिता कहती है आरुषि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना उसने कुछ भी नहीं किया। आरुषि कहती है हाँ पर थोड़ी वियर्ड लग रही है, फेस तो वही थी ना, आई डोंट थिंक सो मैं उनके साथ क्लोज हो पाऊँगी। निशा की डैड उसे ट्रेन तक छोड़ने के लिए आया था, एंड यही फर्स्ट टाइम होती है जब आरुषि और निशा एक दूसरे के साथ मिल रही थी। इशिता निशा के साथ आरुषि की इंट्रो करवा देती है। निशा उसे हेलो कहते हुए अपनी राइट हैंड को आगे करती है, बट आरुषि को निशा की वो फेस देखकर अगेन उस रात वाला इंसिडेंट उसे याद आ जाती है। वो अपने दोनों हाथ को होल्ड करते हुए हेलो कहती है। अगले सीन में सारे लोग ट्रेन में होती है। इशिता के दिमाग में बहुत कुछ चल रही थी। माया ने उन्हें सडनली इन्वाइट क्यों किया? क्या वो सबको बता देगी जो सब इंसिडेंट हो रही थी वो सब कुछ माया ने की थी? पर किसी को नहीं, एटलीस्ट आरुषि को तो बोलना चाहिए। नो, आरुषि बहुत डर जाएगी अगर वो ये जानेगी कि उस रात उसके साथ जो पर्सन थी वो ना उसी के घर जा रही है। और वैसे भी क्रिमिनल बाहर जाके क्राइम करती है, अपने ही घर में पुलिस को बुलाकर कोई क्राइम नहीं करेगी, इसीलिए आरुषि बिल्कुल सेफ है। चिता एक बार टर्न करके अपनी आरू की ओर देखती है, पर आरुषि की नज़र तो कहीं और थी। वो तो बस अजीब तरीके से निशा को ही ऑब्जर्व कर रही थी। इशिता को रियलाइज हो जाती है कि आरुषि के दिल अभी भी ये मानने से इनकार कर रही है कि उस रात उसके साथ जो पर्सन थी वो निशा नहीं थी।
अगले सिर में बहुत घंटे बीत जाने के बाद एक न्यू स्टार्टिंग के साथ लंदन दिखा जाती है। स्पीड में चलती हुई ट्रेन के बाहर लंदन की व्यू देखकर सारे लोगों के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। आरुषि ट्रेन के विंडो से बाहर की ओर देखती है। इशिता आरुषि के फेस को नोटिस करती है। आरुषि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी, वो बहुत एक्साइटेड थी। वो बहुत स्माइल करते हुए एक एक्साइटिंग वॉइस में कहती है, वाओ लंदन सिटी इट्स सो ब्यूटीफुल लाइक अ ड्रीम सिटी। इशिता नोटिस करती है कि बस उसे ही छोड़कर सारे लोग बस लंदन के व्यू देखने में बहुत बिजी थे। निशा के लिए ये उतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था, कॉज वो दुबई में रहती है, ऊपर से वो भी बहुत रिच है। अगर वो चाहेगी तो लंदन बार बार आ सकती है, पर उसे इतना घूमना, टाउन में रहना, लोगों की भीड़ में रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो बस अकेले ही एक शांत प्लेस पर रहना चाहती है, इसीलिए उन सबके साथ वो भी बहुत एक्साइटेड थी। ट्रेन जैसे ही एक स्टेशन पर आके रुकती है, आरुषि जल्दी से कहती है, इशिता चलो लंदन तो आ चुकी है, हमें तो ट्रेन से उतारना चाहिए। इशिता एक स्माइल करते हुए कहती है, हमारी डेस्टिनेशन नेक्स्ट स्टेशन है, ये तो नॉर्विच स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद आएगी लंदन ब्रिज स्टेशन जो कि हमारी डेस्टिनेशन है। आरुषि एक स्माइल करते हुए कहती है, नॉट बैड, आप कैसे जानते हो कि ये नॉर्विच स्टेशन है एंड इसके बाद आएगी लंदन ब्रिज स्टेशन। इशिता कुछ नहीं कहती है, वो एक स्माइल करती है और विंडो की ओर देखती है। अगले सीन में कुछ मिनट बाद ट्रेन उन लोगों की डेस्टिनेशन यानी कि लंदन ब्रिज स्टेशन पर आके रुक जाती है। पहले ट्रेन से इशिता बाहर आती है एंड वो टर्न करके आरुषि को होल्ड करती है एंड आरुषि के पीछे निशा एंड आदित्य बाहर आता है। सब लोग अपने अपने लगेज को होल्ड करते हुए इधर उधर देखते हैं। आदित्य कहता है, इशिता कहाँ है सब लोग, मैंने तो सोचा था कि बहुत सारे लोग आकर हमें वेलकम करेंगे। इशिता एक स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम कोई स्टार हो क्या। तभी ब्लैक ड्रेस में चार बॉडीगार्ड्स आता है। वो चारों बॉडीगार्ड्स सीधा इशिता की ओर आता है और कहता है, वेलकम मैम, आप लोग सारे लगेज इनको दे दीजिए और आप सब मेरे साथ आइए। आदित्य इशिता की ओर देखते हुए कहता है, वैसे ये वेलकम भी सही है। लंदन ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो लोग देखते हैं सामने की रोड पर फोर ब्लैक मर्सिडीज कार रुका हुआ था। सामने की कार पे दो बॉडीगार्ड्स बंदूक लेकर बैठा हुआ था। सेकेंड कार पे एक ड्राइवर के साथ वो लोग जाएगी। थर्ड कार में वो चार बॉडीगार्ड्स जो उन्हें पिक करने के लिए आया था एंड फोर्थ कार में अगेन दो बॉडीगार्ड्स, वो लोग भी बंदूक लेकर था। आरुषि बहुत एक्साइटिंग वॉइस में कहती है, OMG ये तो वार्म वेलकम है। आदित्य कहता है, यहाँ मेरे सोच से भी बाहर। अगले सीन में वो लोग कार में बैठ जाती है। फिर वो चारों कार स्टार्ट होती है एंड बहुत स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में सारे कार्स हाईवे से जाते हुए एक जंगल की रोड पे टर्न करता है। इशिता को थोड़ी डाउट होती है, वो ड्राइवर से पूछती है, एक्सक्यूज मी, इस जंगल की रोड से क्यों, बेका स्टेट से होकर भी तो हम लोग जा सकते थे। वो ड्राइवर कहता है, हाँ मैम ऑफकोर्स, पर बेका स्टेट में किसी का खून हुआ है इसीलिए पुलिस ने उस रोड को बंद कर दिया है। आदित्य इशिता की ओर देखता है, दोनों में एक आई कॉन्टेक्ट होता है और दोनों ही इशारों में कुछ बात करता है। अगले सीन में वो लोग माया की हाउस पहुंच जाती है। नो, इसे हाउस कहना ठीक नहीं होगी, ये बहुत बड़ी एक रिच बंगलो थी। सामने एक बहुत बड़ी गेट थी। चारों कार्स धीरे धीरे उस गेट के अंदर जाता है। उस मेन गेट से उस बंगलो की डिस्टेंस बहुत दूर थी। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स की गार्डन थी और बीच में एक छोटी सी रोड, और उसी रोड से उनकी कार जा रही थी। कार जितनी ही उस बंगलो के पास जा रही थी, वो बंगलो मानो और भी इंटरेस्टिंग एंड और भी सस्पेंस दिख रही थी। कार जब बंगलो के सामने आके रुकती है, उन सबकी हार्ट बीट भी रुक जाती है। बस सामने की व्यू बहुत एक्सपेंसिव थी। बंगलो के सामने की व्यू एकदम गोल्डन की थी, रियल गोल्डन। वो लोग धीरे धीरे
कार से बाहर आती है। इशिता हर एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। ये बंगलो एक बहुत बड़ी एरिया के ऊपर थी। साइड में एक बहुत बड़ा मंदिर था एंड मोस्ट हाईलाइट उस मंदिर पे रखा हुआ एक बहुत बड़ी कान्हा जी की मूर्ति जो कि प्योर गोल्डन का बना हुआ था। उनके फेस में, उनकी आंखों में ऐसे चमक था, कोई भी पर्सन उनसे अट्रैक्ट होकर अपने दोनों हाथ को सामने होल्ड करते हुए अपने हेड को नीचे करेगी। इशिता रियलाइज़ करती है ये कान्हा जी की मूर्ति, ये मंदिर, ये बंगलो, इस पूरी एरिया में एक अजीब सी माया थी। सब लोग एक साथ अपने अपने गुज़बम्स को महसूस करती है। आदित्य अपने हाथ के गुज़बम्स को रब करते हुए कहता है, इशिता ये मिस माया की माया जाल से हम लोग बाहर तो जा पाएंगे ना। इशिता एक स्माइल करते हुए कहती है, वही तो मैं सोच रही हूँ। एंड या दिस द वीडियो, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, टेक केयर एंड गुड नाइट।